ओके फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आप लोग इस बात को है लेकर हैरान होते हो कि आखिर में कैसे कोई भी बंदा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है, यानी कि आपकी पूरी हिस्ट्री कह सकते हो कि आपके व्हाट्सएप की पूरी जन्म कुंडली कैसे उसको पता लग जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं करता, आपके ही फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके यार दोस्त या कोई भी ऐसे ही लोग करते हैं, अदरवाइज बाहर का कोई और नहीं करेगा। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अपने व्हाट्सएप को लॉगिन किया, आपके व्हाट्सएप अपने ऑफिस के डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कहीं पर भी, सामने वाले बंदे को सिर्फ एक कमांड ऑन करना है और जिसके बाद में कुछ टाइम के बाद सारा एक्सेस उसके पास, एक्सेस का मतलब सारी हिस्ट्री, सारा डिटेल, हर एक चीज़ उसके पास पहुँच जाएगा। फिर आप लोग सोचते हो कि यार आखिर में उससे उसको कैसे पता चला, बिकॉज कई बार मेरी जो व्हाट्सएप वाली वीडियो होती है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि क्या सर लोगों को कैसे मेरी डिटेल्स पता चल जाती हैं, कैसे उनको पता चल जाता है कि मैं किससे बात किया, मैंने किस किस से पहले बात किया हुआ है, हर चीज़ कैसे वो एज ए प्रूफ वो शो कर देते हैं, कैसे और क्या कारण है। तो सो मैं कई बार तो बोलता हूँ कि भाई आप देखो कि आपका व्हाट्सअप कहाँ लॉगिन है, कहाँ लॉगिन नहीं है, सारी डिटेल्स सब कुछ। तो आज मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगा कि आपको किस बात का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप इस चीज़ को सेफ रख सकते हो, क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आप इस चीज़ को बचा सकते हो कि कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप की सारी डिटेल, चाहे आपका फ़ोटो, वीडियो या आपका जो भी मैसेजेस, चाहे आपने किसी से भी बात किया है, हर एक चीज़ वो आ जाएगा। कैसे, क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आपको बचना है, सब कुछ पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और हाँ, एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई ऐसा करना चाहता प्लीज़ इसका मिसयूज ना करें, मैं तो जस्ट आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपको बचना कैसे, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलते इसके लिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि लोग कैसे आपकी डिटेल्स पता कर पाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो। बहुत ही आसान है, सब कुछ पूरी डिटेल। चलते इसके लिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कर लेता हूँ व्हाट्सअप को ऑन, और व्हाट्सअप को कर लेना आपको अपडेट। और जैसे आप व्हाट्सअप को ऑन करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है तीन डॉट पे, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, थोड़ा सा लाइट कम करते हैं कम इसका, और इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे सेटिंग। और जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें सब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखिए लोग करते क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लोग क्या करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको बचना कैसे इन सब चीज़ों से। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग सबसे पहले जाते हैं, वो यहाँ पे आपको जो इस तरीके से सेटिंग मिलती है, तो इस तरीके जो आपको सेटिंग मिलती है यहाँ पे अकाउंट का, तो लोग क्या करते हैं अकाउंट के ऊपर जाते हैं, और अकाउंट पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से जो एक ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन मिलता है ये वाला, यानी रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। आप दोस्तों आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे वो लोग, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे जैसे वो क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेआउट आता है। और यहाँ पे क्या लिखा आता है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ देखिए, क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर व्हाट्सएप अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड सेटिंग विच यू कैन एक्सेस और रिपोर्ट अनदर ऐप, मतलब सारी चीज़ें यहाँ से आप प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके बाद में साथ ही यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर रिपोर्ट विल बी रेडी इन अबाउट 3 डेज, यानी कि यहाँ पे 3 दिन में आपका जो ये रिपोर्ट होगा वो रेडी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी कैंसल्ड इफ़ यू मेक चेंजेस टू योर अकाउंट सच एज चेंजिंग योर नंबर एंड डिलीटिंग योर अकाउंट, यानी कि भैया अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे ये बोलना कि अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया है और उसके बाद आप इसको नंबर चेंज कर लेते हो या लॉगआउट करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट आता है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ डेट दिखे तो आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए या लॉगआउट कर लीजिए या इस तरह बाहर कर दीजिए, ताकि आपका जो ये रिक्वेस्ट एक्सेस है वो कैंसिल हो जाए। तो आप आसानी से ये काम यहाँ से कर सकते हो। आप देखो कैसे दिखता है यहाँ पे, जैसे सामने वाला रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे डेट लिखा आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा तो लिखा आ रहा है रीड बाई April 8, 2021, यानी मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया 8 तारीख से लेके 3 दिन, यानी कि 11 तारीख को ये जो है एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट सेंट लिखा आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन, और डाउनलोड करने के बाद में इजीली पूरी फाइल आ जाती है जिसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, और उसको मतलब उसमें हर एक चीज़ मिल जाएगा, सारी चीज़ें, पूरी चैट, सब चीज़। अब मैंने आपको दिखा दिया उसको कैसे करना, अगर आप इसको मान लीजिए रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका वो जो रिक्वेस्ट, यानी मान लीजिए आपने देखा, चेक किया कि भाई आज 8 तारीख को किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया या 9 तारीख को कर दिया, यानी कि जिस दिन किया उससे अगर 3 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है
तो आप इजीली यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं यानी, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा या क्योंकि नीचे लिखा हुआ है नंबर चेंज कर सकते हो या डिलीट अकाउंट कर सकते हो, तभी वो आपकी रिक्वेस्ट जो है कैंसिल होगी, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स बात करें तो ये तो ठीक है भाई, इस तरीके से लोग आपके डेटा को पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो लर्न मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे कि इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इसको आप एक्टिव कीजिए। यहाँ पे देखिए इनेबल नहीं होगा तो इसको आप इनेबल करो। आप यहाँ पे 5149551 ये मैंने जब मान लीजिए ऐसे डाल दिया, कुछ भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन डालिए, नहीं डालना तो इसको आप स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया। कोई भी बंदा अगर कुछ भी करने का लॉग व्हाट्सअप ओपन करना चाहेगा तो सबसे पहले वो यही चीज़ मांगेगा। अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे। देखिए ये चीज़ आपने कर लिया पहला चीज़, आप यहाँ पे देखिए ये डिसेबल भी कर सकते हो बाद में आप चाहें तो। बैक आते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे आइए सिक्योरिटी के अंदर, ये रहा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर आके इसको आप इनेबल कर दीजिए अगर आपका इनेबल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी माना है आपको, प्राइवेसी माने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे माने आने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि फिंगरप्रिंट लॉक, तो अगर आपका डिसेबल है तो इसको आप पहले इनेबल कर लीजिए। आपको यहाँ से जस्ट करना है इनेबल और इसको कर दीजिए ओके। जैसे आप यहाँ पे इसको करते, अच्छा ये बोल रहा है कि पहले आप अपने फिंगरप्रिंट को ऑन करो, यानी कहाँ से आप अपने सेटिंग के अंदर जो आपके मोबाइल की सेटिंग होती है, आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल के अंदर और आपका जो लॉक स्क्रीन का जो सेटिंग होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ऐड फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे भैया ये फिंगरप्रिंट योर इफ़ यू हैव फॉरगेट योर पासवर्ड कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे मेरा पासवर्ड इसका क्या है 123456 रख लेते हैं, ठीक है। और अच्छा कॉमन बोल रहा, बहुत कॉमन है भैया ये, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 123456, चलो ठीक कोई इशू नहीं यही कर लेते हैं, हालांकि मेरे को कोई पासवर्ड का इतना ज़रूरत नहीं होता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे सबसे पहले इसको इनेबल करना। तो एक बार सबसे पहले मैं अपने फिंगरप्रिंट को इनेबल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से इसको इनेबल, तो यहाँ पर डन हो गया, फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल फिर से मैं व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ और व्हाट्सअप ओपन करने के बाद जो ये फिंगरप्रिंट वाले स्क्रीन था इसको हम यहाँ से करते हैं इनेबल, तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पे ये इनेबल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है कि भाई कितने देर के लिए करना है, इमीडिएटली 1 मिनट, इमीडिएटली करना है भैया 1 मिनट तो छोड़ना ही नहीं है, तो ये आपका इनेबल हो गया। अब आप सामने वाला आपके व्हाट्सअप को यहाँ से सब कर देते हैं क्लोज, सामने वाला अगर आपके व्हाट्सअप को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले आपके व्हाट्सअप को जैसे ही ओपन करेगा तो उसके पास सबसे पहले तो ये लॉक आएगा, सबसे पहला ये बिना लॉक के वो खोल ही नहीं पाएगा, देखिए ये रहा। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है, इस तरीके से आप आसानी से अपने व्हाट्सअप को सेव कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए अगर इसको भी ओपन हो भी गया तो आप यहाँ पे देखिए ये भी आता है, यानी कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन भी आता है। जो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको याद होगा मैंने डाला था 2514951। तो इस तरीके से सारी चीज़ करने के बाद ही आपका कोई भी बंदा आपके व्हाट्सअप को ओपन कर पाएगा, अदरवाइज इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें से बचना है ताकि कोई भी इंसान आपकी रिक्वेस्ट इन्फो को ऐसे ना ले पाए और ताकि आपकी कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल आपकी शेयर ना हो। आई होप कि फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट आप फॉलो कीजिए, डायरेक्ट डीएम कीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। बस फ्रेंड फिलहाल की वीडियो इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।